हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर। आप सभी का लगातार क्वेश्चन सर, एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी करें। एक महीना हमारे पास ऑलमोस्ट है, 1.5 मंथ है, तो हम एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो आइए बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के बारे में कि आप अपनी तैयारी अपने घर बैठे कैसे कर सकते हैं, आप खुद अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं और हम आपकी किस प्रकार हेल्प कर पाएंगे एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की तैयारी के अंदर। तो हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैथ का पार्ट है। और इससे पहले भी एक आपको दो वीडियो मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमने एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस को एक्सप्लोर किया था, डिटेल में स्टडी किया था कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक बार फिर एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के बारे में। आप हमारे ब्लॉग को डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल में लिंक दिया गया नीचे, आपको कोई जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अवेलेबल है। तो यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या मैथ का ऐसा डोमेन है जिसको तैयार करके आप अच्छा कर सकते हैं, जी हाँ, और हम आपको क्या प्रोवाइड करें इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस। जैसे कि आप जानते हैं, हम एमएससी मैथमेटिक्स को पिछले 3 साल से गाइड करें ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन थ्रू। एमएससी मैथमेटिक्स से पहले एमएससी एंट्रेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप एमएससी रेगुलर करें किसी भी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आपका एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए क्या पढ़ाई करें, क्या स्टडी करें, क्या नोट्स को फॉलो करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें कि आपका स्कोर हाई हो, उसके बारे में बात करें। पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिलेबस जो आपको करना मस्ट है, जो आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज सबसे पहले आता है कैलकुलस का पार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस। वेक्टर कैलकुलस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको जो करना ही करना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस का होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, हर एक टॉपिक पे बेस्ड रहेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, सारा हम प्रोवाइड करने वाले आपको। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हां, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो तरह इक्वेशन आते हैं, पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड आपके पास जो आती है पार्शियल और ओडी डिफरेंशियल, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है हमारे पास इन एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यदि हम बात करें। इसके बाद यदि बात करें दैट इज मैट्रिक्स, जो बहुत ही आसान है, बट हर बार एंट्रेंस में 5 से 7 क्वेश्चन मैट्रिक्स पर आते आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, सोलूशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यदि हम एमएससी एंट्रेंस में बात करें मैट्रिक्स के ऊपर। दैट इज एलजेब्रा, एलजेब्रा में आपका जो कैलकुलेटिव पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलजेब्रा में लीनियर एलजेब्रा का पार्ट है, लीनियर एलजेब्रा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलजेब्रा में मतलब की ग्रुप एंडरिंग का जो पार्ट है, ग्रुप एंडरिंग आप जो पढ़ते आए हैं ग्रेजुएशन, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर ताकि आप 50% कर सकें। 8 से 10 क्वेश्चन, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 8 से 10 क्वेश्चन अलजेब्रा की हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। ऐसे लीनियर अलजेब्रा जो इसका बेसिक है अलजेब्रा है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास रियल एनालिसिस दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि बात करें इसमें हमारे पास जैकोबिन का क्वेश्चन, बीटा गामा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन, सारे जो मैट्रिक्स स्पेस का जो पार्ट है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस रियल एनालिसिस। मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बात करें, इंप्रॉपर इंटीग्रल पे क्वेश्चन आते हैं, रेमान इंटीग्रल पे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस। दैट इज 9th कैसे हमारे पास स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स क्वेश्चन आते हैं, कम ही आते हैं, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा यदि आप एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से भी 2 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं बाद। एंड दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस, इससे भी क्वेश्चन जो है एक अलग ही पैटर्न में न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, उसी में लैंग्वेज आती है प्रोग्रामिंग सी। बट हम यदि बात करें हमारे पास इनमें से आपको करना क्या है, यदि बात इनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट तो हमारे सिलेबस का दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कैलकुलस, जिससे क्वेश्चन मस्ट आएंगे आएंगे, वेक्टर कैलकुलस से आते ही आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि बात करें, वी हैव टू कवर ऑल द डोमेन्स ऑफ टू पार्ट दैट इज ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यह सोचें कि ओडी इंपॉर्टेंट है, पीडी इंपॉर्टेंट, दोनों से इक्वली इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है,
आइडियल पे क्वेश्चन आते हैं, रिंग पे क्वेश्चन आते हैं, फील्ड पे क्वेश्चन आते हैं, यूक्लिडियन रिंग पे क्वेश्चन आते हैं, पोलो में रिंग पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर अलजेब्रा के अंदर आइगन वेक्टर का कांसेप्ट भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि अलजेब्रा में बात करें, हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रुप एंडिंग का पार्ट आता है, कोसेट का पार्ट आता है, होमोमॉर्फिज्म का पार्ट आता है, आपका परम्यूटेशन ग्रुप का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, रिंग का पार्ट, आइडियल का पार्ट, जो भी पार्ट आपके डिफरेंट टॉपिक्स है, आइडियल का जो डोमेन है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि बात करें अलजेब्रा के बारे में, और जैसा कि हम जानते हैं लीनियर अलजेब्रा टोटली बेस्ड है अलजेब्रा के ऊपर, तो लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस आप पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस के बाद आप बहुत सारे जो रैंकिंग नलिटी का जो कांसेप्ट आता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कांसेप्ट आता है, सब स्पेस का कांसेप्ट आता है, वेक्टर सब स्पेस का पार्ट है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसी के साथ इसमें इनर प्लॉट स्पेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से आकर ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें इन द लीनियर अलजेब्रा। हमारे पास रेमान इंटीग्रल भी कह सकते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कह सकते हैं, मीट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्ट सेट मीट्रिक स्पेस में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मीट्रिक स्पेस के बारे में बात करें, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, क्लोजर ऑफ ए सेट, नेबरहुड ऑफ ए सेट, लिमिट पॉइंट, सब जो डोमेन है, दीज आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। यदि बात इसके अंदर कंटिन्यूटी कांसेप्ट भी आता है हमारे पास मीट्रिक स्पेस, वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है। रियल एंड के बारे में बात करें, हमारे पास स्टेटिक्स एंड डायनेमिक्स का पार्ट है, आप इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कवर करें आप आसानी से कर पाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला जाते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड न्यूमेरिकल में आपके न्यूमेरिकल आते या फार्मूला बेस्ड आप तैयार करेंगे, जितने भी पार्ट आपके पास इक्वल इंपॉर्टेंट, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, जितने भी फार्मूलाज है, आइगन वैल्यू निकालने के, आइगन वेक्टर निकालने के, आर के मेथड, आपके पास इलर मॉडिफाइड मेथड, बहुत सारे मल्टीपल मेथड है, टेलर मेथड्स है, पिकार मेथड है, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन थ्री बाय ट्रेपेजॉइड रूल, दीज आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लिखित देखना पड़ेगा तभी आप अच्छा कर सकते हैं। और यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए, आप हमारे जो कोर्स है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा के लिए हमारी वेबसाइट www.gautamsinghla.com विजिट कर सकते हैं, जिसकी जानकारी सारी नीचे दी गई है, आप हमारे आपको डाउनलोड करके जो तैयारी है एमएससी एंट्रेंस कर सकते हैं। एमएससी एंट्रेंस तैयारी के लिए हम आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स और साथ ही साथ आपको नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे हम आपको प्रैक्टिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका आंसर क्या रहेगा आप प्रैक्टिस करें। और आपने उम्मीद है कि बीएससी बीए मैथ को पढ़ा है, बट ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल आप दो साल पिछले डिस्टर्बेंस रही है पढ़ाई, तो हमारा बीएससी का जो बीए का जो बेस होता है वो अच्छे से कवर नहीं कर पाए हम, तो उसकी क्लैरिटी के लिए जो कोर्स आइडेंटिटी इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। तो आज ही अपनी स्टार्ट करें, एंड दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स एंड वेरी वैल्यूएबल कोर्स फॉर योर इन एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस। तो आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू शेयर अस अगेन, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। सारी जानकारी जी दी गई है, मोबाइल आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको लगता है आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है हमारी टीम से शेयर करें ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। अगेन थैंक यू फॉर लविंग दस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।